गाइस टिकट लेने के बाद अभी यहाँ 100 रुपए बढ़ गए टिकट। वहाँ से कितना दूर दिख रहा था और अभी ये देखो अभी वो दूर दिख रहा है, यहाँ से आए हम लोग। गाइस और एक बार मेरा डाइट तोड़ने के पीछे पड़े हैं, ये देखो डबल चॉक मैं और फ्राइज भाई इनकी एक नंबर होती है। ये देखो पोटैटो की साइज। होला जी गोस कोमो स्टार्ट। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज ये वाला जो आप व्लॉग देखने वाले हो वो है महाबलेश्वर का, और भाई एक नंबर वेदर हो चुका है, आपको आगे देखने मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैंने शूट किया लेकिन उसके अंदर से भाई जो 4 मिनट का व्लॉग है भाई वो उड़ गया है मेरे से। वो भी स्टार्टिंग का था, जो मैं यहाँ से रात में निकला था, सोलो मोटो व्लॉग था और बीच बीच में बहुत सारी क्लिप थी भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी उसमें भी, लेकिन वो 4 मिनट का उड़ गया है मेरे से। तो यहाँ से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मॉर्निंग का व्लॉग है वहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से पूरा व्लॉग है, तो देखने में आपको मजा आएगा। और एक दो चीज़ें जो हर बार महाबलेश्वर जाते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही है, तो आपको देखने में और अच्छा लगेगा। फिलहाल इसको इंट्रो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो पे ध्यान दो और यहाँ से आगे होता है वीडियो स्टार्ट। तो गाइज ये देखो ये रास्ते में मिल गया खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये रेड सॉस पास्ता और सैंडविच, फटाफट से खाते हैं इसको, बज रहे रात के 3। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी हम लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। और एक दिन का ये ट्रिप था, अचानक से इनका प्लान हुआ था चलो जाते हैं, क्योंकि मुझे मुंबई जाना था एमएस के भाई का, 10 तारीख को टाइगर की डिलीवरी देने वाला, चलो वो भी देखते हैं, फिलहाल यहाँ जाके आते हैं। तो भाई 4 घंटा नींद हुई है और आज जुम्मा भी है तो नमाज को भी जाना है, और आज भाई डाइट टूटने वाला है। तो गाइज डाइट तोड़ने में दूसरा जो हाथ है बन मस्का और जैम का है और उसके साथ चाय, तो देखता उसका टेस्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि मेरा बाहर का ब्रेड नहीं पसंद है। कैसा? अच्छा है। अच्छा है। एक और बार हुआ। बस का नहीं हुआ, बाहर का नहीं, कड़वा कड़वा लगता है, थोड़ा अच्छा है इसका टेस्ट। तो कल मुझे करना था लेग वर्कआउट लेकिन इन लोग की वजह से भाई पूरा सिस्टम बिगड़ गया मेरा। कुछ नहीं लेग वर्कआउट बोलता है, खाता है सब जिम करके, कहाँ से बॉडी बनती क्या मालूम। तो सब खाना पड़ता है, 19-20 चलता है बॉडी के अंदर, तभी जाके आदत लगती है। तो एक बार मैंने किया था ऐसे, वो बाद में स्टोरी बोलूँगा, फिलहाल ये खाता हूँ। लेकिन इसमें ऑयल है मेन्दू वड़े में, एक दिन से कुछ नहीं होता है, वैसे भी क्या स्ट्रिक्ट नहीं है लास्ट टाइम जैसा, तो चल जाएगा। तो अभी इन लोग का आ रहा है, जब तक मैं खाता हूँ ना तो इन लोग की नज़र लग जाएंगी खाने के ऊपर। तो गाइज यहाँ से हॉर्स पॉइंट है, ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे हॉर्सेस, और यहाँ से नीचे आने के बाद ये एंट्री एक नंबर बनाए हैं। ये देखो अभी लास्ट टाइम तो मेरे को दिख नहीं रही थी, या सिर्फ फिर मेरी आँखें अंधी थी, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी देखने में। और भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और खाने के लिए ये देखो हम लोग ने लिए पेरू और साथ में शहतूत और क्या बोलते हैं, और थोड़ा सा 2-3 आइटम लिए खाने के लिए, जो बोट में भाई धूप में एकदम हालत ख़राब हो जाती है, कुछ तो भी खाएंगे तो एनर्जी रहेंगी। गाइस टिकट लेने के बाद अभी यहाँ 100 रुपये बढ़ गए टिकट लेने के बाद, आपको ये ऐसा जैकेट लेना पड़ेगा। तो गाइस सारी चीज़ें पहनने के बाद ये तामझाम और टिकट लेने का, टिकट दे दिए ना उधर, है ना अपने पास। तो टिकट लेने के बाद अभी बस 600 रुपये हुआ है, पहले 500 रुपये था, तो थोड़े चेंजेस आए बस 100 रुपये में। और 2 साल बाद बैठ रहे हैं ना अपन, 2 साल बाद बैठ रहे हैं। और भाई ये देखो पैर मार मार के पूरा लेग वर्कआउट होने वाला है अभी। तो गाइस अभी देखो हम लोग कितना दूर आ चुके हैं, ये देखो वहाँ से कितना दूर दिख रहा था और अभी ये देखो अभी वो दूर दिख रहा है, यहाँ से आए हम लोग, आपको दिख रहा है वहाँ से आवाज़ देखे चिल्ला रहे थे, इससे आगे जाओ मत, ये दिख रहा है आपको, अब देखो कितना दूर है। तो लास्ट टाइम तो हम लोग आए थे ना, इससे और आगे गए थे, तो बहुत मजा आई थी। गए थे इससे आगे, गए नहीं थे, झूठ खो गए थे ना, गए थे ना इन लोगों को रिटर्न आते हैं, तो मैंने इन लोगों को पैडल मारते मारते लेके आया, इन लोगों में हाँ मैं और मोहम्मद हुसैन ने, इन लोगों में ताकत नहीं थी इतनी, तो कल लेग वर्कआउट नहीं हुआ, आज लेग वर्कआउट हो गया भाई, एक नंबर मजा आ गया। और मैं ये आइलैंड पे जाने का सोच रहा था, ऐसा आइलैंड मतलब ऐसा दिख रहा था तो उतरू, लेकिन वहां से चिल्ला रहे बोले वहां जाओ मत, क्या है क्या मालूम पता नहीं। तो पटक से अभी ये खाते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगे ये। तो गाइस ये देखो एकदम एंड तक टच होके आ गए हम लोग, अभी यहाँ से सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं, ये देखो
बहुत दूर है अभी और पैर दुखने लग गए अभी से, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है वहाँ जाने के लिए। आधा घंटा तो हो गया इधर आने के लिए, बीच में बहुत फोटोशूट भी किए, आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। तो गाइस आज जुम्मा है और दो जुम्मा से मैं बाहर ही नमाज पढ़ रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मस्जिद है, महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर में लगभग बहुत सारी मस्जिद है, तो जाता हूँ नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। गाइस और एक बार मेरा डाइट तोड़ने के पीछे पड़े हैं, ये देखो डबल चॉक, मैंने नहीं बोला ये झूठ बोल रहे, तो ये डबल चॉकलेट वॉफल लिया हम लोग ने, तो नमाज पढ़ के आया हूँ मैं, ये खाते फटा। ये खाने के बाद हम लोग को दो तीन पॉइंट जाना है, दो होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेट्रो, मेट्रो के बाद फिर ये लोग को मिटाऊंगा, फिर मैं रिटर्न चले जाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो फिर वो जहरीला पेरी पेरी चीज़ है ना, हाँ पेरी पेरी चीज़ है ये भी। देखो डाइट तोड़ने के लिए और एक चीज़ आ रही है, मैं बताता हूँ। तो गाइस महाबलेश्वर आओ और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ना पियो, स्ट्रॉबेरी क्रीम मिल्क शेक जो भी है, एक नंबर है, देखो एक नंबर टेस्ट रहता है इसका। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बागीचा है उससे थोड़ा आगे आएंगे ना, आपको ऐसे स्ट्रॉबेरीज दिखेंगे, देखो ऐसे बाहर बहुत बड़े बड़े, तो इसका नाम मैं आपको बाहर जाने के बाद दिखा दूँ, क्रीम कॉर्नर गार्डन है इसका, इसका नाम क्रीम गार्डन कॉर्नर गार्डन है, तो यहाँ का भी एक नंबर है। मैं वहाँ पिया और यहाँ पिया तो इधर का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए इस बार भी इधर ही आया हूँ मैं, तो एक नंबर है। और अभी का वेदर इतना अच्छा है, इतना वेदर अच्छा है कि आप आ सकते हो इधर दो चार दिन के लिए, अगर छुट्टी है तो, वैसे दिवाली ख़त्म हो गई तो एक दो दिन का वीकेंड का प्लान कर सकते हो, एक नंबर। गाइस लोग नॉर्मली सीधे रास्ते पे ट्रिपला नहीं घूमते, हम लोग एंटॉक पे भाई ट्रिपला घूम रहे सुबह से, क्योंकि मसला ऐसे हो गया कि अशरफ आने वाला था लेकिन अशरफ को जाना है पूना, तो हम लोग कार में घूमने वाले थे, और भी इधर ऐसा है कि दो लोग एक साथ घूमेंगे और एक अकेला घूमेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सुबह से ट्रिपला घूम रहे हैं। आपको एग्जांपल दिखा तो आने दो उन लोग को। तो गाइस हो गया अपना ऑर्डर रेडी, अभी जाते हैं इसको फटाफट खाते हैं, और फ्राइज़ भाई इनकी एक नंबर होती है, ये देखो पोटैटो की साइज़। गाइस इसमें भर भर के ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालने के बाद उस पर सॉस डालने के बाद कैसा टेस्ट आता है मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो अलग नहीं आया, गाइस अगर थोड़ा सा तीखा है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक यहाँ वाला और एक अंदर जाके हम खुद से तोड़ के ले सकते, तो हम यहाँ से लिए। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आपको सामने नीचे बॉक्स दिख रहा होगा शायद कैमरा के एंगल में, तो वो स्ट्रॉबेरी का बॉक्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ से ट्रिपल जा रहे हैं, नीचे अपना वाई आएगा, वाई से अपने को जाने के लिए मिलेंगी बस, क्योंकि इन लोग को बस से जाना है, और मैं ये एंटॉक से आया हूँ तो मैं एंटॉक से रिटर्न जाऊँगा, तो इन लोगों को नीचे छोड़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रिपल जा रहे हैं, और सामान इतना है डिक्की भरी हुई है। और ये तो कुछ नहीं, अभी नीचे वाले मेप्रो में जाना है यहाँ से, तो नीचे वाले मेप्रो में बहुत सारी चीज़ें और अलग है, तो बहुत टाइम से हम लोग 2-3 बार अभी आए थे इस साल में, तो सोचे थे जाएंगे लेकिन अभी तक जाना नहीं हुआ था, तो अभी सोच रहे कि मेप्रो में जाएंगे, वहाँ से इन लोग को वहीं से छोड़ूंगा फिर मैं, तो देखते अभी यहाँ से। लेकिन भाई अभी जैसे ही शाम हो गई 5:30 बज गए हैं, यहाँ का वेदर भाई पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहना हूँ, एकदम हाथ ठंडे ठंडे हो रहे हैं, और सामने से हवा आ रही है, और लेफ्ट साइड वाला जो व्यू है आपको दिख रहा होगा भाई एक नंबर है, पूरा मतलब हिल वाला व्यू है। और लास्ट टाइम मुझे याद है कि महाबलेश्वर से जब मैं निकला था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत पेट दुख रहा था, तो मैं यहाँ पर रुक के मेडिसिन खा के लेटा था 1 घंटा, तो यहाँ पर मतलब वेदर मतलब 12 महीने ऐसे ही रहता है, लेकिन ठंडी के दिनों में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फॉगी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फॉगी तो मॉनसून में ही होता है, जैसे मैं आया था लास्ट टाइम कुछ दिख नहीं रहा था, आपको वो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि भाई मेरे हाथों पे इतना प्रेशर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रिपल जा रहे हैं नीचे और एकदम शोल्डर पे लोड आ रहा है मेरे, नीचे उतरने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पूरा हाथों पे लोड आता है, चाहे सिंगल हो डबल हो, लेकिन भाई हम लोग तो ट्रिपल है इसलिए हो रहा है वो सब चीज़ें। भाई सामने एक नंबर व्यू आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं कैमरा में क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊपर है और कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं सही से, लेकिन भाई एक नंबर व्यू है, और ठंडी भी बहुत मतलब ठीक ठाक है। मैप्रो से
दिल नहीं भरा हम लोग का, तो ये वाले मैप्रो में आए और ये सारा सामान लिए, मतलब इसके अंदर जूस वगैरह सब है तो घर में पीते हैं कंटिन्यू जूस, तो मैंने ठीक है अपना तो डाइट चालू है, लेकिन आज थोड़ा चीट डे ज्यादा हो गया कि 15 दिन में अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बटर स्कॉच लेके आना बना बना के। हाँ ठीक है, तो बना के इनके लिए फालूदा लेके आएंगे रमजान का। और भाई ये आइसक्रीम मेरे को नहीं पसंद है लेकिन इनको पसंद है, खा रहा है, खा रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन भाई डार्क चॉकलेट इसलिए मेरे को इतनी पसंद आई नहीं है ये। तो गाइज लगभग मैं घर पहुंच गया था 12-1 बजे, लेकिन मैं ये दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना, और क्या अच्छा लगा वीडियो में वो पार्ट बताना। और विंटर में भाई सबसे बेस्ट मतलब वेदर होता है उधर का, तो आप जरूर जा सकते हो। मानसून तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है उधर का क्योंकि फॉग फॉग होता है, लेकिन अगर आपको विंटर में जाके सारी जितनी भी वहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करना है तो वो आप विंटर में कर सकते हो। और भाई मैप्रो गार्डन में और ज़्यादा वैरायटीज आ जाती है, और सबसे मेन चीज़ वहाँ की मतलब स्पेशल चीज़ है वो स्ट्रॉबेरीज, वो आप खा सकते हो और बहुत तरीके के आपको मिल जाएंगी। फार्मिंग में जाके आप वहाँ से आप खुद से तोड़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बाहर से लेने में। फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।